चलो भैया जो देखो सुनो, कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसमें जो हमारा अक्षर कोडिंग है ना, जो लेटर कोडिंग है वो तो हम लोगों ने कर लिया था। लेटर कोडिंग के 5-6 टाइप मैंने आपको बताए थे, है ना, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरे नंबर पे हमारा संख्या कोडिंग है, मतलब नंबर से रिलेटेड, और एक इन दोनों का मिक्स भी होता है, कुछ में संख्या भी होता है और कुछ में नंबर्स भी होता है। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोग करते हैं। तो हेडिंग लिखो आप लोग क्या, संख्या कोडिंग यानी कि नंबर कोडिंग, ठीक है। आप लोगों ने बुक से क्वेश्चन भी किए थे जो बुक भेजी थी? नहीं, नमस्कार भाई, जाना चाहते हो जरा चले जाओ, कोई सर बचा के जाना। नंबर कोडिंग कह लो या इसको मिक्स में रखना चाहते हो मिक्स में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा वो देखो आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस हम लोगों का, पहला क्वेश्चन यही है कि अगर कैब को क्या कहा जाए, पहला क्वेश्चन है अगर सी ए बी, कैब को कहना चाह रहा है कि अगर 12 लिखा हुआ है, ठीक है, और कहना चाह रहा है क्या एफ ई डी, पेड को ये 30 कहना चाह रहा है ये, तो आपको बताना है कि हाइड को क्या कहा जाएगा, एच आई डी हाइड को क्या कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं 44, 68, 52 और 48। देखो सुनो, जब कभी भी ना, देखो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे लेटर तो तीन है, तो यहाँ पे तीन डिजिट होने चाहिए थे कम से कम। अगर तीन डिजिट नहीं है, या तो तीन से कम है या तीन से ज्यादा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तिकड़म कर रखा है। अब वो क्या तिकड़म कर रखा है वो हमें समझना है। तो देखो जैसे आप देखोगे सी ए बी, पहले तो आप इनके ओरिजिनल नंबर लिखो, ये 3 पे आता है, ये 2 पे आता है और ये 1 पे आता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और उन्होंने क्या दिया है, यानी कि जो मेरा जोड़ के इनकी ओरिजिनल वैल्यू को जो जोड़ के आया उसका इन्होंने क्या लिख दिया है, डबल करके लिख दिया है। तो डबल जो ये कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर यहाँ पर डबल किया तो डबल यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा इसका तो ये लॉजिक फिर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो एफ कितने पे आता है, 6 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, और 15 का डबल। देखो आपको रीजनिंग में हमेशा ना, जब कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे, हमेशा 3 जरूर देगा वो, 2 इसलिए देता है ताकि एक लॉजिक जो आपने लगाया है वैसा ही सेम दूसरा पे लगा सको आप। मान के चलो आपने डबल किया आ गया, लेकिन इस पे डबल करने पे आ ही नहीं रहा, इसका मतलब फिर ये लॉजिक ही गलत है, आपको फिर दूसरा लॉजिक ट्राई करना है। अगर 2 पे सेट बैठ गया तब आप तीसरा अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो हाइट पे क्या था हमारा, एच 8 पे, ये 9 पे, ये 4 पे और ये 5 पे, है ना। तो 9, 4, 13, 13, 5, 18, 26 आ गया, और 26 का डबल क्या होता है, 52 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मैंने ये कहा आपको कि देखो कायदे से ये जो कैब लिखा है ना, इसको लिखना चाहिए था 3-1-2 लिखना चाहिए, तो मैं सोचता कि 3 सी का कोड लिख दिया, ए का कोड लिख दिया और बी का कोड लिख दिया। कोड समझ रहे हो ना, जैसे ABC में सी 3 पे आता है, है ना, ए जो है वो 1 पे आता है, बी जो है वो 2 पे आता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से। और एफ डी में भी सेम वही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने लिखा है 12, तो मैंने कोई बात नहीं 12 तो मैं बाद में बनाऊंगा ना, पहले तो मुझे एक्चुअल इनका पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या है। तो मैंने जब एक्चुअल लिखा तो मेरा एक्चुअल देखा जोड़ने पे, तो मेरा 6 आ रहा है, और 6 का इन्होंने क्या कर रहा है, डबल। अब ये डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, जो मर्जी करे, वो हमें खुद से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना।
लेकिन जो लॉजिक आप इसमें लगाओगे वही सेम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर डबल कर रहे हो तो यहाँ भी डबल करो, अगर ट्रिपल कर रहे हो तो यहाँ भी ट्रिपल करो, ढाई गुना कर रहे हो तो ढाई गुना करो, वन फोर्थ करो तो वन फोर्थ करो। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और वहां कुछ और फिर यहाँ फिर क्या है ना, वो चीज है। इसलिए हमेशा आपको तीन दिए जाते हैं। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन ऐसा। नहीं, इस केस में तो नहीं कर सकता, वो पैटर्न के क्वेश्चनों में कर सकता है कि पहले में डबल, दूसरे में ट्रिपल, चौथे में चौबल, है ना। फिर उसके लिए तीन चार वो देगा, फिर तब जाके पांचवा अप्लाई कराएगा, मान के चलो। ठीक है ना। अब अच्छा, एक चीज और, मान के चलो अगर यहाँ पे सात दे देता, क्या देता, सात दे देता, तो मेरा कितना आया, तो मैं मानूंगा एक प्लस कर दिया, तो फिर वहां मैं वहां भी चेक करता, अगर होता तो मैं उसमें भी क्या कर देता, एक प्लस कर देता, बात खत्म हो जाती। ठीक है ना, दो कम कर देता है, कुछ भी हो सकता है, ये रीजनिंग है। लेकिन जो तर्क इसमें चलता है वही तर्क इसमें चलता है ना, ऐसा नहीं कि जो मर्जी लगा दिया अपने आप से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग लिखो इसको। क्या क्वेश्चन है, अगला लिखिए। लिखा हुआ मैड, एम ए डी ई, मैड का कोड लिखा हुआ है 12236, और बैड का कोड लिखा हुआ है गाइस बी ए डी, बैड का कोड लिखा हुआ है 123। तो आपसे पूछा डेक का कोड क्या होगा, डी ई सी के। ठीक है, 36212, 33312, हेलो हेलो, अब जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे या जिनको एबीसीडी याद नहीं है वो लिख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे तो मैंने लिखवा दिया था लेकिन आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हमने लास्ट क्लास में किया था, इनकी नंबरिंग लिखी थी है ना, ए कितने पे आता है, एक पे, बी दो पे, सी तीन पे, ऐसे करते हुए लिखना आपको। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि कोई पूछे कि 27 पे क्या आता है तो वापस से क्या लिख दोगे आप, 28 पे क्या आता है तो, क्योंकि 26 के बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो कभी आपको दिख जाए ऐसा तो आपको कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ऑपोजिट लेटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बताया था मैंने आप लोगों को कि ए जो है वो शुरू से पहले में आता है और जेड जो है वो एंड से पहले में आता है, तो उसको ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आजाद, बॉय, क्रैक्स, डॉन, इवनिंग, फ्यू, गॉट, हंस, इंडियन रेलवे, जैकॉल या जैकलिन, कीप, लायन और मैन। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि कुछ बच्चे ट्रिक भी याद करते हैं, तो ट्रिक ये है मित्रों कि जैसे एच लिखा है तो ये एच जो है वो एच ना पढ़ करके आप इसको आठ की तरह पढ़ो, क्योंकि ये आठ पे आता है, लेकिन ये शब्दों के साथ जबरदस्ती है। मैंने कहा जिसको याद है वही सबसे बड़ी ट्रिक है। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं जो आई होता है ना उसको ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो था ना आई, तो मतलब ऐसे कर दो तो आई कितने पे आता है, नौ पे। कुछ लोग कहते हैं सर डब्ल्यू ऐसे बनता है, आप यहाँ पर दो लिख दो, डब्ल्यू कितने पे आता है, तो इतना भी क्या, मैंने कहा सैलरी चाहिए 70,000, एबीसीडी भी याद नहीं करेंगे, एटीट्यूड है, इतना एफर्ट नहीं, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, ये सब खुश करने के लिए है, आप लोगों को चमकाने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकल सही नहीं, एग्जाम में तुम्हें ये ध्यान ही नहीं आएगा। और अगर तुम कर रहे हो ना तो तुम्हें इस बात का भ्रम है कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, ये तो नहीं कहूंगा मूर्ख हो, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिसको याद है ना वो करके जा चुका है, जब तक तुम सोच रहे हो ट्रिक लिखूंगा है ना, पहले एबीसीडी लिख लेता हूँ। कई होते हैं बंदे एग्जाम शुरू होने से, अच्छा आपको बताता हूँ मैं कैसे पता चलेगा कि किसी की तैयारी अच्छी है नहीं, आप अपने आपको जज करना। एग्जाम हॉल में आपका अगर मन कर रहा है यार एक और ऑफ शीट मिल जाती तो मैं तो ठीक है धुआं उठा देता, ठीक है, इस तरह की अगर चीजें हो रही है तो ध्यान रखना, अगर आपके मन में इच्छा ऐसी है कि रफ शीट मिल जाती है, ठीक है ना, तो समझ लेना कि आप अभी पेपर के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जितनी रफ शीट मिलती है वो मोर देन इनफ है। अभी ब्लाइंड का एग्जाम देने जाऊंगा मैं अभी एक दो दिन में एमटीएस का, ठीक है ना, मेरा तो एक भी बच जाता है पूरा का पूरा एक साइड, एक A4 A6 साइज देते हैं पेपर, A4 से बड़ा होता है वो, और मैं उसका 1/4 कर लेता हूँ, उसमें सारी रीजनिंग हो जाती है उसके 1/4 पे, और एक तरफ में मैथ हो जाती है,
ज्यादातर, खैर मेरी तो छोड़ दो आप लोग, मेरी तो मैथ्स की प्रैक्टिस ठीक ठाक ही है तो मेरे को ज्यादातर क्वेश्चन में छूने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं पहले भी कभी मैंने दो रफ शीटें नहीं ली। लेकिन कोई कह रहा कि मैम एक और रफ शीट मिलेगी तो समझ लेना कि उसका कल्याण हो चुका है, ठीक है ना। तो द मोर नंबर ऑफ रफ शीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू योर सिलेक्शन, है ना। जितने ज्यादा रफ शीट लोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही, क्योंकि जो ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो सवाल क्या करोगे तुम, ठीक है। ये कहानी होती है, तो आपको उससे दूर रहना है। और एग्जाम हॉल में जब रफ शीट मिलती थी ना और आप वहां पे ABCD लिख रहे हो, यार तब तक लिख लेता हूँ, लपेट लेता हूँ, देख देख के कर लूंगा, तो भाई ये आपको भ्रम तो है कि आप कर लोगे, कर भी लोगे देख देख के शायद हो सके तो, क्योंकि इतना टफ तो आता नहीं है, लेकिन आप तो भी स्पीड में आप पीछे ही रह गए। जिसने करना था वो तो स्क्रीन पे ही पेन चला के जाके देखना कभी अगली बार एग्जाम होगा तो, लोग स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देते हैं। जो एक्सपर्ट है ना सॉल्व करने वाले जो बच्चे हैं उनके इतने अच्छे से याद है कि वो स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देते हैं। चलो आज सवाल पे आते हैं हम लोग, जोड़ा था क्या आ रहा था इसका आंसर भाई। अच्छा चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि नंबरिंग से, ये आता है 13 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, है ना भाई, ठीक है। अब आगे की बात बिल्कुल सही बात है, देखो सुनो, 13 में अगर मैं एक घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसमें एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक और एक, एक में फिर घटाऊंगा तो क्या आएगा, 3, और इसमें एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, यही आ गया ना, 1-1+ हो रहा है यहाँ पे भी, चेक कर लो, 2 तो इसीलिए दिए चेक करने के लिए, ये 2 1 और ये 4 पे, तो 1 माइनस करोगे तो 1, 1 प्लस करोगे तो 2 और 1 माइनस करोगे तो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक देखो 4, 5, 3 और 11, पहले एक माइनस करते हैं 3, फिर एक प्लस करते हैं, फिर एक माइनस करते हैं, फिर एक प्लस कर, ठीक है। तो 3, 6, 2 और 12, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। करें एक और अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला लिखा हुआ गया आपका फादर, FATHER 7 लिखा है, नेक्स्ट लिखा डॉटर, DAUGHTER डॉटर का लिखा हुआ है 9, और आपसे पूछा हुआ है बताना आपको कि डिस्टेंट का क्या होगा। अच्छा ठीक है, तीन 9 से 11 9, चले 8 होगा। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अगर देखो इन्होंने क्या कर दिया, सबको वो कर दिया। अब देखो ये आता है 6 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 5 पे, और ये आता है 18 पे, ठीक है ठीक है। देखो सुनो, ये तो आपको दिख गया तो दिख गया, लेकिन जिसको नहीं दिखा उसका क्या, है ना। तो देखो भाई, अगर मान के चलो, वैसे तो देखो इन्होंने यहाँ पे देखो कितने लेटर हैं, यहाँ पे 6 लेटर है ना टोटल, इसका मतलब सब इससे कोई लेने देने नहीं, इसमें लेटर 6 हैं और एक बढ़ा करके लिख दिया इसमें, ये मान के चल रहे हैं हम। इसमें लेटर कितने हैं, 3, 3, 6 और 2, 8 लेटर हैं, एक बढ़ा के लिख दिया, तो इसमें लेटर कितने हैं, 3, 3, 6 और 1, और एक बढ़ा के लिख दिया, ऐसा लॉजिक है। अच्छा अगर इसका डिजिटल सम करें तो कैसा रहेगा, 9, 5, 14, 14 और 8, 22, 22, 2, 24, 24 और 1, 25, 25 और 6,
25 और 6 31, हाँ चलो रहने दो, नहीं लगेगा, वो डिजिटल सम भी लग सकता था वैसे इन सवालों में, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, इसका एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं है, जितने लेटर है उतने ही क्या कर रखे उन्होंने, प्लस वन कर रखा, एक बढ़ा के लिख दिया, मतलब ये 6 लेटर है एक बढ़ा दो, 7 लेटर है एक बढ़ा दो, है ना, ये लॉजिक लगाया उन लोगों ने। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखा हुआ गाइस, एक्स बराबर है 48, ए सी टी बराबर है 48, तो आपको बताना है टॉल का क्या होगा, 88, 92, 90 और 45। चलेगी वीडियो, आओ देखो, सुनो भाई, अब आपको पता है एक्स आता कितने पे है भाई, 24 पे आता, लेकिन 24 में इन्होंने डबल कर दिया, चेक कर लेते हैं इसको भी, देखो ये आता है एक पे, ये आता है तीन पे, ये आता है, तो इनको जोड़ूंगा तो कितना होगा, इसका भी क्या कर दिया उन्होंने, डबल कर दिया। फिर देखो ये आता है 20 पे, ये एक पे, ये तो 24 और 20 कितने हो गए हमारे, 44 और 45 हो गए, 45 का डबल क्या होता है, 90 होता है, ठीक है, तो उन्होंने डबल कर रखा है। अच्छा इसमें कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, सर 24 का 48 हो रहा है, 24 ऐड कर दो आप इसमें, मान के चलो इसमें 24 ऐड कर दूंगा तो भी 48 बन जाएगा, इसमें भी 24 ऐड हो रहा है, लेकिन फिर अगर मैं इसमें 24 ऐड करूँ तो कितना आएगा, मेरा पता है 69 आ जाएगा, 45 में ऐड करूँगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, तो फिर मुझे दूसरा लॉजिक लगाना है मल्टीप्लाई वाला। लेकिन ये हिट करने की बात है, किसी को हिट ऐसे भी कर सकता है, एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आंसर वही आना चाहिए उसी लॉजिक के हिसाब से, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो फिर क्लेम का क्वेश्चन बन जाता है, फिर वो चीज़ है, वैसा देंगे ही नहीं वो, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, इन दैट केस तो होता वही माना जाएगा जो वो चाहेंगे, ठीक है, जो कह देंगे वही हो जाएगा, ठीक है, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो सवाल को करके पूरा देते हैं, वो ऐसे नहीं देते, मतलब कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैंडल, CANDLE, कैंडल को ये लोग लिख रहे हैं D1OEM2, ठीक है, मॉडर्न को ये लोग लिख रहे हैं N4E2SO, तो बी वेयर को क्या लिखेंगे, हाँ 0 है, 0 है, वो कौन सा वाला, ये एस के बाद, देखो ये तो हमारा ओ है और ये भी हमारा ओ है, एस ओ, ये 4 है, किसी को अपना आई टेस्ट कराना तो बता देना, मैं आई टेस्ट भी करता हूँ, 6x6 की आंखें चाहिए ना रेलवे के लिए, और 6x9 की, मैं बता दूंगा 6x9 आगे नहीं है, ठीक है, आप कभी वो चश्मे की उसमें डॉक्टर के पास तो गए होगे, चश्मे जो आईज का डॉक्टर होता है,
वहां पे देखो ना लेटर्स लिखे होते हैं बड़े बड़े, बड़े से छोटे होते हैं। तो होता क्या है कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे आप बैठ जाओ और वो लेटर जो दिखते हैं ना आपको, जो सबसे पहले लेटर कौन सा लिखा होता हमारा, जैसे मान लो कि चलो कोई ए लिख दिया, फिर उसके नीचे छोटे फॉन्ट में हमारा क्या लिख दिया, ऐसे लेटर लिख दिया, फिर उससे छोटे फॉन्ट में लिख दिया हमारा, फिर उससे छोटे फॉन्ट में लिख दिया, फिर उससे छोटे फॉन्ट में लिख दिया। अब जो ये पढ़ रहा है उसकी 6x30 की नजर है, जो ये पढ़ रहा है उसकी 6x24 की नजर है, जो ये पढ़ रहा है उसकी 6x18 की नजर है, जो ये पढ़ रहा है उसकी 6x12 की नजर है, और जो सबसे छोटा वाला पढ़ पा रहा है वो 6x6 की नजर, समझ पा रहे हो? लेकिन ये मैंने फॉर एग्जांपल दिया, इसी को पढ़ के अपने आपको जज मत कर लेना कि हाँ मेरी तो ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ये कहानी है। क्योंकि स्टेशन मास्टर वाले में तो बढ़िया आई साइट चाहिए, स्टेशन मास्टर की जॉब आई है उसमें, उसमें बिना लेसिक सर्जरी के प्रॉपर क्लियर आई विजन चाहिए। हाँ जी बताइए आगे। क्या होगा नहीं बन पा रही बात, पांच लाख का इनाम दूंगा, गोवा का टूर दूंगा मैं, बताओ आप लोग ठीक है? ऑप्शन जी है क्या? तो ढाई ढाई लाख मिलेंगे फिर तो। चलो लिखो ऑप्शन, लिख लो आप लोग। कौन सा वाला? ये दो है, दो डी टू ओ, तुक्का नहीं माना जाएगा ध्यान रखना। क्या ये वो है? वो एक मिनट रुक जाना, भी पूछ रहा है उसको, करना है तो तुम करो भाई अपना। हाँ जी ना हो रहा है, करें ट्राई। चलो अभी 5-5 लाख ले आना आप लोग ठीक है, कल आ जाओ। देखो सुनो, आओ देखो सुनो, सी का अगला क्या होता है? डी। और आपको पता वोवल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ। अगर वोवल्स का सीक्वेंस देखो तो वोवल में पहले पे आता है ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे और ये पांचवे पे। तो ये वोवल में ए जो है वो कितने पे आ रहा है? अब एन का अगला क्या होता है? डी का अगला, एल का अगला, और ई जो है वो वोवल में कितने पे आ रहा है? ठीक है ना, तो इसी के तो पैसे थे 5 लाख, इनामी राशि थी। अब देखो यहाँ पे दो वोवल है ना, एक तो ये है और भी कोई वोवल है, ये है, ये कौन कितने नंबर पे आ रहा है? ये 4 पे, जब तो 4 लिखा ना यहाँ पे, और ये कितने पे आ रहा है? 11, 2 पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? बाकी सब एक एक बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखो ये ई हो गया और ये हो गया और ये हो गया ना, ये कितने पे आता है? ये आता है और ये आता है, बाकी को एक बढ़ा दो, सी डब्लू आर सी टू एक्स वन एस टू, सी टू एक्स वन एस टू ठीक है, 2s2 है वो, कोई नहीं सर अब तो हार गया वो ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
अगला करें आओ, चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन देखो सतर्क नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितना भी सतर्क करो धप्पा करके चलाया सवाल, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, इस क्वेश्चन में जान दी, अगला वाला भी जान वाला ही है। डी ओ सी टी, देखो सुनो कुछ भी आता हो रीजनिंग में जो है ना उनका स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं भाई, जो लिखा वही है यहाँ पे, मतलब इसका इंग्लिश से कोई खास लेना तो हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता सही, इससे मैटर नहीं है। फर्स्ट बत आ रहा है भाई, बाकियों का कुछ आ रहा है क्या? नहीं आओ चलो देखो भाई, अगर देखूं भाई मैं, ये आता है 18 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 3 पे और ये आता है 11 पे, ठीक है। चलो कोई नहीं और देख लेते हैं, ये आता है 20 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 4 पे और ये आता है 5 पे। तो लॉजिक लग रहा ना लग रहा? एक्स क्रैक्स 24, तुम लोगों का कौन सा आ रहा था भाई, कौन सा आ रहा था, क्या लॉजिक है, लॉजिक बताओ। नहीं तो इनका क्या, ये सो पीस के, इसका रिलेशन तो ये ऐसे सो पीस के लिए है, सीधा वो सोल्व कर दिया, नहीं चलेगा नहीं। और वो तो वो देखो वो करेक्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये लॉजिक ही नहीं चलेगा, तो ये सो पीस के लिए थोड़ी दिए हैं, इनका कोई यूज भी तो करना था ना। वो ठीक है आपकी बात, देखो आपका आंसर सही भी हो सकता है, मैं ही नहीं कह रहा गलत होगा, ठीक है ना, लेकिन ये किस दिन, इनके अंदर वो लॉजिक लगना चाहिए तभी तो उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, वो चीज़ है।
आप तो सीधे कंक्लूजन पे ही कूद गए। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई होता है और नौ पैदा छे घटा दिया, लायन लायन बारह पे आता है, सात घटा दिया नहीं। अरे कुछ सोचो यार, कैसे काम चलेगा। रॉक को कह रहे थे, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, रॉक को कह रहा 3587 और टाइड को लिखा हुआ इन्होंने 4261 और उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर को इसी भाषा में क्या कहते हैं। क्या चीज आता किसमें, मतलब किस एग्जाम में आया है ऐसा, सीपीओ में आया हुआ है। नहीं नहीं इसको छोड़ो, आप करो उससे कोई मैटर नहीं करता। सात चार घटा दिया, पांच जोड़ दिया। अट्ठाईस पहले जोड़ दिया है तो 28 हो गया, 28 पे 3 आ गया ठीक है, घटा दिया तो 5 आ गया ठीक है, फिर जोड़ दिया 13 होना चाहिए। क्या हो रहा जीवन में, या समझ में ना आ रहा। फोर टू सिक्स वन देखो सुनो, इसका ना रियल एबीसीडी से कोई लेने देने नहीं। देखो 18 पे लिखा ना, ये 18 का 3 बना रहा, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मान के चलो, वैसे मैंने कई लॉजिक लगाया पर 10 जोड़ा 10 घटाया तो बन रहा, लेकिन अगले में नहीं बन रहा, ध्यान सुना। अगर ऐसा नहीं है गाइज तो हम ऐसा कर लेंगे कि इन्हीं को अकॉर्डिंग मान लेंगे, यानी कि आर को हम क्या मान लेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना जैसे कॉमन पैटर्न हो गया, तो जो इसमें कॉमन है जैसे इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि आर को आप क्या मान लो, 3 मान लो। तो हम यहाँ पे जो आर लिखा उसको हम क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखो डी कहाँ लिखा हुआ है, डी को क्या मान लो 6, ओ देख लो कहाँ लिखा हुआ है तो 5 लिख लो, सी कहाँ लिखा हुआ है, सी को 8 लिख लो आप लोग, है ना। टी कहाँ लिखा हुआ है,
चार लिख लो आप लोग, ठीक है, और ओ कहाँ लिखा हुआ आपका पांच पे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लॉजिक है, मतलब जो सिमिलर पैटर्न है जो कॉमन है वही उसी को उठा के, मतलब ए बी सी डी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीजें वही है, प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। करें आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, लिखा हुआ गाइस टैंक लिखा हुआ, टी ए एन के टैंक, टैंक को कह रहे हैं 7-26-13-16, तो कह रहे हैं कार्गो को क्या लिखा जाएगा, कार्गो को क्या लिखा जाएगा, बाकी लोग भाई अब देखो इसमें दो ही दिए हैं तो आपको एक से सोचना पड़ेगा, लेकिन देखो सुनो इसको उल्टी हो रही है, ध्यान सुनना आप लोग, देखो होता क्या है, देखो जिसको एबीसीडी जितनी तेजी से याद होगा ना उसको उतनी जल्दी ये सॉल्व होने वाला है, जैसे टी का क्या लिख रखा है 7, अब आपको पता है टी का उल्टा क्या होता है और जी कितने पे आता है, ए का उल्टा क्या होता है और वो कितने पे आता है, एन का उल्टा क्या होगा हमारा मैन 13 पे, और के का उल्टा क्या होता है हमारा कुर्ता पजामा कितने पे, तो देखो क्रैक्स, आजाद, इंडियन रेलवे, जीटी रोड और लायन, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू एक्स 26, 9, 20 और ठीक है ना, ऑपोजिट लेटर को उन्होंने क्या कर दिया है, ऑपोजिट करके फिर इसके कोड लिख दिए हैं, ठीक है, सर आप वो थे नहीं सर, देखो सुनो एबीसीडी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सर ऑपोजिट लेटर लिखे रहते हैं, ये वाला जैसे एक ऑपोजिट क्या होता है जेड होता है, बी का ऑपोजिट क्या होता है वाई होता है, तो आजाद से याद कर लो, बॉय से याद कर लो, क्रैक से याद कर लो, ड्यू से याद कर लो, है ना, तो अब इन्होंने क्या किया है इसको ऑपोजिट कर दिया पहले, तो फिर इनके कोड लिख लिए यहाँ पे, है ना, अब ये पहले देखो, अब टी का ऑपोजिट क्या है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड, मैंने बोला आपको तो जी हो गया, तो जी कितने पे आता है, तो जी का कोड लिखा ना, टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कभी कभी ये एक आता प्लस करके भी, कभी कभी 8 भी लिख देते हैं, मैंने ऑपोजिट करके फिर प्लस, ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था लास्ट क्लास में, आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला सवाल है 54831, इसको क्या लिख रहे हैं 63922, तो आपको बताना है 86274 इसको क्या लिखेंगे,
इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? आ रहा है आंसर नहीं बोला करो भाई आप लोग, देखो सुनो इसमें क्या हो रहा है, प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक, तो हम यही करेंगे पहले प्लस कर देंगे है ना, तो पहले प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस प्लस तो नाइन और थ्री हो जाएगा, नाइन और थ्री वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा है ना, ठीक है। बाकी को आप क्रॉस चेक कर लो, मैंने तो सीधे इसलिए किया क्योंकि नौ के दो ऑप्शन थे, इसलिए मैंने तीसरा चेक किया क्योंकि मुझे पता दूसरा सेम देगा वो, ठीक है। सिमिलर को हटाना होता है हमें, आगे बढ़े। समझ जाओगे ना हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों, ग्रीन का कोड ये है, ब्लू का कोड ये है, तो आपको वाइट का कोड बताना है। और बोल आंसर नहीं बोलना, लॉजिक नहीं बोलना, आंसर भले बोल ले एबीसीडी लेकिन लॉजिक नहीं बोलना, लॉजिक बोलते ही आपके पड़ोसी के कान खड़े हो जाएंगे, फिर वो उसी लॉजिक से सोचना शुरू करेगा, अपना लॉजिक तो वो उठा के साइड में कर देगा। आओ करें तो वो ग्रीन को जो लिख रहे हैं ना, आपको पता है ग्रीन में जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है ना, टी, और टी कितने पे आता है, फिर आर का उल्टा आई होता है, और आई कितने पे आता है, फिर ई का उल्टा क्या होता है, वी, वी यानी इवनिंग, वी कितने पे आता है, फिर ई का उल्टा फिर से वी है, वो भी 22 पे, फिर एन का उल्टा एम होता है वो, यानी ऑपोजिट के कोड लिख दिया उन्होंने, और सेम वहां पर चेक कर सकते हो आप, ये डायरेक्ट लिख दिया क्या, नहीं वाई होता है ना, वाई कितने पे आता है, अब देखो इससे कोड लिखो, डब्ल्यू का क्या होगा हमारा, डी होगा, एच का क्या होगा, हंस इंडियन रेलवे, जीटी रोड और इवनिंग है ना, दो डी आता है चार पे, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, सात पे, और लास्ट में 22 आना चाहिए, 22 के दो हैं, और चार 19 18 7 22 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, आरआरबी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ही, ठीक है आगे बढ़े। GLEPK को ये लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं, तो आपको बताना है क्या लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का? ये ऑप्शन आ रहा है। क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने? ये 7 पे है, ये 4 पे है, चलो मान लिया 3 घटा दिया। कि दूसरे वाले में देखो, ये PQ ये 17 पे और ये 14 पे, इसमें भी क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो ये 12 पे, ये 9 पे, इसमें भी 3 घटा रहे हैं, हाँ सब में -3 हो रहा है। तो ये जो पोर्टर लिखा हुआ है, पोर्टर में भी हम क्या करेंगे, देखो ये 16 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे, 5 और 18, सब में क्या करेंगे हम, माइनस का 3। तो यह आ जाएगा 13 पे, यह आ जाएगा 12 पे, यह आ जाएगा 17 पे, ये 2 पे और ये 15 पे। आपको पता 13 पे क्या आता है, एम, तो शुरुआत किससे होगी हमारी, एम से होगी। और लास्ट वर्ड ढूंढ लेते हैं क्योंकि लास्ट वर्ड अलग है, तो 15 पे क्या आता है, वो आता है, बाकी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हो काम हो जाएगा, एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग वहां से। आगे बढ़ जाए। देखो भाई, लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था इसके रिगार्डिंग कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है इसके। आपको जो बुक भेजी है पिनाकल वाली, उसमें लगभग 900 क्वेश्चन होंगे अराउंड इसके, 900। आपको कितने करने हैं, 900, ठीक है ना, आपको कितने करने हैं, 900। लेकिन आप 200-300 करके काम चला लो फिलहाल, फिर एक आधे महीने बाद फिर से 900 करना, आई मीन बाकी के 200-300 करना। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं। देखो सुनो, ये आसान है आपको लग रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। और अब मैथ्स टफ है, आपको टफ लग रही है इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली आप नहीं ही पढ़ रहे हो। इसलिए आसान है, उसको अच्छी तरीके से ग्रैप करो ताकि उसकी गुंजाइश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। कोई है क्वेश्चन? करण अर्जुन का सवाल आ गया है, करण को 45 और अर्जुन को क्या लिखेंगे बताओ। और शिफ्ट में 3,
करें, बाकियों का भाई ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिसील भरे आधार मुझे क्या रहे? आओ चलो देखो सुनो, करण पे देखो, अगर ये 11 पे आ रहा है, ये 1 पे, ये 18 पे, ये 1 पे और ये 14 पे, अगर मैं इन सबको क्या करूं, प्लस कर दूं, है ना, 11, 12, 18, 30, 40, 44, 45, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो इसको भी जोड़ देंगे हम लोग। अरुण में ये 1 पे आता है, आर 18 पे, यू आता है टी यू 21 पे और एन आता है, ठीक है, तो 21 और 14 35 हो जाएंगे, 35 और 19 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे इनको जोड़ने पर, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। वी का उल्टा तो सर ई होता है, वो लिख लो आपको दिक्कत नहीं, मैं वैसे लिख पाता हूँ। देखो ए का उल्टा जेड होता है और बी का उल्टा वाई होता है, दिखाने को मैं लिख देता हूँ, देखो ना, ये सारे होते हैं, ये के का उल्टा पी है, लायन ऑफ मैन, ना हो रहा है। देखो सुनो क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है और क्या लिखा है यहाँ पे, वी जी एफ एन, टी का उल्टा क्या होता है, नहीं जी होता है ना टी का उल्टा, तो यार वी जी एफ एन लिखा ना, लायन और डेक्स का उल्टा ये लिखा है एम टी एफ एफ डी एस के,
बारह पांच छ और बीस, ये कितने पे आते हैं? बाईस सात छ और चौदह, ठीक है ना। देखो सुनो, ध्यान सुनो आप लोग, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये बड़ा। एक प्लस कर दिया और एक प्लस कर दिया, ठीक है ना, बीच में क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है, इस पर भी चेक कर लेंगे हम लोग। अब देखो ये बीस का हो रहा है बाईस, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, दो कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, दो, है ना। तो यानी कि इन दोनों में प्लस दो और इन दोनों में प्लस दो होने चाहिए, तो ग्यारह का तेरह हो रहा है, प्लस दो तो हो रहा है, और ये चार का छह, इसमें भी हो रहा है। अब एस का टी और ई का एफ, ये भी ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, हेल्प हो गया हमारे पास। अब लिखा हुआ है ना एच ई एल पी, तो ये एल का क्या होता है एम, और ई का क्या होता है ई का एफ होता है ना। तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए एम एफ आना चाहिए, है ना। अब आगे देखो, पी में दो जोड़ दिए तो सोलह दो अठारह, अठारह पे क्या था हमारा, शुरुआत किससे होनी चाहिए, आर से होनी चाहिए शुरुआत, ठीक है। क्रॉस पैटर्न बन रहा है। अब एक सवाल पहले आप लोग मेरा करो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मैं आप लोगों ना एक स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आप लोगों, ध्यान से सुना आप लोग। अगला सवाल है, कह रहा हाउ आर यू, इसका कोड है नी टिन फ्यू, ठीक है, और आर यू देयर, आर यू देयर, इसका लिखा हुआ है टिन सी नी लिखा हुआ है, नी लिखा हुआ, ठीक है, नी लिखा है एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू नी, बात है नहीं भाई, प्लीज आपसे पूछा है देयर का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, अब ध्यान सुनना आप लोग। पहली बात तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, तो उस हिसाब से तो देर का कोड क्या होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर यहाँ तो फिर हाउ का कोड भी नहीं है फिर तो ध्यान रखना। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, पहले कॉमन वालों को हटाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है,
आर यू और आर यू, पहले धनकना, ये जो लिखा हुआ ना इसके कोड, ये आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना, मतलब हो सकता है हाउ का कोड फू हो या टिन हो या नी हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो आर यू इधर से है और इधर से क्या कॉमन है, नी और टिन, नी और, तो बचा क्या पे, तो आर यू जब कट गया तो सी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, तो देयर का कोड क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि हाउ का कोड क्या होगा, देखो टिन और नी तो तुमने काट ही दिया था और वो आर और यू था, तो बचा क्या हमारे पास, उसका कोड क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो, पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, जो कॉमन वाला है उसको हटाने के बाद जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, इसका मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करो उसको। क्वेश्चन अगला, शी इज गुड, पहला क्वेश्चन है शी इज गुड 1, 2, 5, दूसरा है आर वी गुड, आर वी गुड, ठीक है, इसका है 2, 8, 4, इसका क्या है 2, 8, 4, और एक है इज ही बैड, इज ही बैड, इसका कोड है 5, 7, 9। ये सवाल है, अब इस पे पूछ लिया आपसे, पहला शी का कोड क्या होगा, दूसरा पूछ लिया वी बैड का कोड क्या होगा, तीसरा वी का कोड क्या होगा, ढूंढ लो पहले फिर बताता हूँ मैं। सी का कोड 5 है, आओ छोड़ देखो, सुनो देखो ध्यान सुना, पहले और दूसरे को देखूं तो क्या कॉमन है दोनों में, गुड कॉमन है, इधर से क्या कॉमन है 2, तो गुड का कोड क्या हो गया 2 गया, हटा दो। दूसरा और तीसरे में क्या कॉमन है, कुछ है कि नहीं है, नहीं है, छोड़ दो। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इसका कोड, अच्छा इधर से क्या कॉमन है 5, तो इसका कोड क्या हो गया 5 हो गया। अब ध्यान सुना, इज का हिसाब हो चुका है और गुड का भी हिसाब हो चुका है, तो बचा क्या शी, है ना, तो शी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो शी का कोड 1 हो गया। और सुनो पहला दूसरा हमने देख लिया क्या कॉमन है, गुड कॉमन है ना, गुड को हटा दो चलो, और पहला दूसरा तीसरा में कुछ है ही नहीं हमारे पास, गुड बैड बी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, देखो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, लेकिन आप सोच रहे हो इसका आंसर कैसे निकालेंगे तो पता ही नहीं है, तो ये हम ऑप्शन से निकालेंगे। देखो ऑप्शन उन्होंने दिया 48, ध्यान से देखना इसका ऑप्शन क्या, 48 है, 79 है, 36 है, और क्या है 98। अब देखो सुनो, वी का जो कोड होगा 2, 8, 4 में से कोई एक होगा, V का जो कोड होगा वो 2, 4, 8 में से कोई एक होगा, हाँ तो दोनों तो हो नहीं सकते है ना, तो या तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, और ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 2, 4, 8 तो इन दोनों में है ही नहीं, ये वाला पॉसिबल हो सकता है ना। और दूसरा बैड लिखा, बैड का कोड क्या हो जाएगा फिर, तो जो हमें नहीं मिला ना वो हमें ऑप्शन से मिल जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि SSC में ऐसा आता नहीं, SSC में जो पूछता ना वो डायरेक्ट मिलता है, नहीं समझ में आ रहा, कौन सा
ये वाला ना सेकंड वाला, देखो पल्ले नहीं पड़ रहा, फोकस करो, पल्ले पड़ जाएगा। आओ देखो सुनो, जो पहले जो छांट सकते हो वो छांट लो, छांट लिया ना। अब हमसे पूछा है वी बैड का, ना तो हमें वी मिला ना हमें बैड मिला, ठीक है। तो हमने ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन तो मिलेंगे ना हमें एग्जाम में। अब वी का को वी लिखा कहा है भाई इन तीनों में, बीच वाली लाइन में, तो बीच वाली लाइन में हमारा बचा क्या है? देखो गुड को तो हमने हटा लिया था पहले ही, वी का कोड क्या हो सकता है? या तो चार होगा या तो दोनों से एक एक ही होगा ना कोई, कि दोनों वी के ही हो जाएंगे। अगर एक ही होगा क्योंकि एक आर भी तो बैठा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों तो वी के हो नहीं सकते, चार और आठ, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। और चार और आठ ही बचा हुआ, तो एक इसमें वी होगा एक इसमें आर होगा कोई सा, तो या तो चार है वी का या तो आठ है, तो ना तो चार, एक चार या आठ तो होना चाहिए ना ऑप्शन में, तो या तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो इसलिए ये दोनों भी ऑप्शन क्या हमारे पास, तो बचा क्या हमारे पास, यानी ये आठ है। अब आप सोचोगे सर वी को आगे लिखा तो आठ को आगे लिखा, ऐसा कोई सीन नहीं है, वो पीछे भी लिख सकता है। तो इन्होंने वी को क्या कर दिया है, आठ मानकर कहाँ लिख दिया है, पीछे लिख दिया है। अब बचा क्या हमारे पास, बैड। अब देखो बैड को यहाँ पे देखो, इसका कोड हमने क्या निकाला था, साइड करो, बचा क्या ही और, तो या तो सात होगा या तो सात और दो नौ तो वैसे भी नहीं हो सकते, ये तो हटाओ, ये तो पहले भी हटा चुके हम लोग, तो यहाँ पर नौ इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। तो जो आप छांट सकते हो आप डायरेक्ट छांटो, नहीं छांट सकते हो वो आप ऑप्शन से करोगे। हालांकि एसएससी में इस लेवल का आता नहीं, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट मिल जाएंगे जैसे इस टाइप के, ठीक है। एक क्वेश्चन एसएससी का दे ही देता हूं तुम लोगों को ना, ठीक है। करो भाई, सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है ये, आई लाइक चॉकलेट है ना, इसका कोड उन्होंने क्या दिया हुआ है, 95958 है ना। दूसरा है वी बॉट चॉकलेट, इन्होंने हिंदी में लिख दिया है, इसको करेक्शन कर लेना इसका, है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट जो जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वी बॉट चॉकलेट उसका क्या दे रखा 153, तीसरा दे रखा वी लाइक देम 816, आई बॉट देम निकालना। Okay.
हाँ जी करें क्या? देखो सुनो, पहले इन दोनों को देखो क्या इधर कॉमन है, चॉकलेट कॉमन है। जैसे क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है। तो चॉकलेट का क्या मिल गया हमें, चॉकलेट का हमें मिल गया कोड 5 मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं। इन दोनों को देखो जरा क्या कॉमन है दोनों में, वी कॉमन है। जैसे क्या कॉमन है, 1, तो वी का कोड क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब पहले और तीसरे को देखो क्या कॉमन है, लाइक कॉमन है ना भाई। इधर से क्या कॉमन है पहले तीसरे में, 8, तो लाइक का कोड क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया। जब लाइक भी मिल गया, देखो चॉकलेट और लाइक मिल गया, तो बचा क्या हमारे पास, आई का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो वी और लाइक चले गए, बचा क्या पे, डैम का कोड क्या हो जाएगा, 6। तो देखो ध्यान से सुनना आप लोग, डैम का कोड हो गया 6, आई का कोड हो गया क्या हमारे पास, 9, और बॉट लिखा हुआ है। देखो बीच में तो बॉट ही बचा है ना हमारे पास, अब इसका कोड क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा, 9936। फिर से देख लो, देखो पहली और दूसरी लाइन में देखो आप क्या कॉमन है दोनों में, चॉकलेट कॉमन है, तो चॉकलेट को काट दो, और इधर से क्या कॉमन है, तो चॉकलेट का कोड हमें मिल गया 5। इन दोनों में दूसरे और तीसरे में देखो क्या कॉमन है, वी कॉमन है, वी काट दो, इधर से क्या कॉमन है, 1, तो वी का कोड क्या हो गया, 1। अब पहले और तीसरे को देखो आप, आई लाइक चॉकलेट, वी लाइक देम, क्या कॉमन है, लाइक, तो लाइक को काट दो, इधर से पहले तीसरे में क्या कॉमन है, 8, तो लाइक का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। और 5 और 8 कट गया, चॉकलेट और लाइक कट गया, बच्चा क्या पे, आई का कोड क्या हो गया, 9 हो गया ना, तो आई का कोड हो गया 9, ये भी लिख लेते हैं चलो। अब देखो इन दोनों में ये दोनों कट गया, बच्चा क्या पे, तो बॉट का कोड क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों में ये दोनों कट गए, बच्चा क्या पे, सबके कोड तो हमें मिल गए। क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा आई, आई का कोड क्या निकाला था हमने, 9 निकाला था। फिर हमसे निकाला था बॉट, बॉट का कोड हमने क्या निकाला था, 3 निकाला था। और देम का कोड हमने क्या निकाला, ऐसे 6, तो 936 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये था, प्रैक्टिस करना भाई ईमानदारी से, ठीक है, जा सकता हूँ, थैंक यू।